गाइज आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं रिवॉल्वर और पिस्टल में क्या अंतर होता है, क्या ये दोनों एक सेम प्रोडक्ट हैं या फिर इनमें कोई अंतर भी होता है। दिखने में तो रिवॉल्वर और पिस्टल लगभग सेम होते हैं क्योंकि ये दोनों ही एक समान आकार में होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि रिवॉल्वर और पिस्टल में कोई अंतर होता भी है या नहीं, तो इसका उत्तर है जी हाँ, दुनिया में बनाए गए ये दोनों खतरनाक हथियार के बीच एक बड़ा अंतर है। तो चलिए रिवॉल्वर और पिस्टल के बीच डिफ्रेंसिएशन को बारीकी से समझते हैं। बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से जानकारी से रिलेटेड वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। अरे साहब, रिवॉल्वर और पिस्टल एक बात नहीं होता है, दोनों में होता है एक बड़ा अंतर। वैसे तो पिस्टल और रिवॉल्वर दोनों ही हैंडगन मतलब हाथ में आसानी से आने वाले हथियार हैं, लेकिन इनके सिस्टम और आकार के बीच काफी फर्क होता है जो जानना बेहद जरूरी है। आज हम आपको इन दोनों के बीच का अंतर बताने जा रहे हैं। आजकल घरों में कई लोग लाइसेंसी हथियार रखते हैं। पहले के जमाने में बड़ी दो नाली बंदूक रखने का चलन था, लेकिन मौजूदा दौर में पिस्टल और रिवॉल्वर जैसे छोटे हथियार इनकी जगह ले ली है। पुलिस कर्मियों से लेकर आत्मरक्षा के लिए हस्तियों के प्राइवेट गार्ड्स भी पिस्टल या रिवॉल्वर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लगभग एक जैसे दिखने वाले इन दोनों हथियारों के बीच अंतर हम आज आपको बताने जा रहे हैं। वैसे तो पिस्टल और रिवॉल्वर दोनों ही हैंडगन मतलब हाथ में आसानी से आने वाले हथियार हैं, लेकिन इनके सिस्टम और आकार के बीच काफी फर्क होता है जो जानना बेहद जरूरी है। गोलियों को गन में डालने और इनके स्टोरेज का तरीका भी काफी अलग होता है। इसके अलावा फायर करने का तरीका भी इन्हें एक दूसरे से जुदा करता है। सबसे पहले आपको पिस्टल के बारे में बताते हैं, क्योंकि यह हैंडगन का एक एडवांस वर्जन है। इसमें मैगजीन होती है जिसमें गोलियां स्टोर की जाती हैं। फायर करते वक्त स्प्रिंग की मदद से गोली मैगजीन से निकलकर फायर पॉइंट पर आती है। पिस्टल से गोलियां चलाते वक्त उसे लोड करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता और लगातार एक के बाद एक फायर किए जा सकते हैं। इसके अलावा लॉक सिस्टम के जरिए मैगजीन को भी बंद किया जाता है ताकि लापरवाही में पिस्टल से अपने आप फायर न हो जाए। पिस्टल की बैरल काफी छोटी होती है और उनकी लंबाई 10 इंच से ज्यादा भी नहीं होती है। आमतौर पर यह 50 मीटर तक फायर कर सकती है। अगर वजन की बात करें तो पिस्टल का वजन रिवॉल्वर से कम होता है क्योंकि में गोली के स्टोर करने का एक अलग से सिलेंडर ना होकर हैंड में ही एक मैगजीन होती है। अब हम बात कर लेते हैं रिवॉल्वर के बारे में। रिवॉल्वर गन पिस्टल का थोड़ा पुराना वर्जन माना जाता है, जैसा कि नाम से ही साफ है। इनमें एक रिवॉल्विंग सिलेंडर लगा होता है जिनमें गोलियां सेट करनी पड़ती हैं। फायर करने से पहले सिलेंडर घुमाया जाता है ताकि ट्रिगर पॉइंट के सामने आ जाए और हिट होने के साथ ही फायर ट्रिगर पर आ जाए। ट्रिगर दबाने के साथ ही हैमर सिलेंडर में लगी गोली को हिट करता है और गोली बैरल को पार करते हुए फायर हो जाती है। रिवॉल्वर से एक गोली चलने के साथ ही बैरल के पीछे लगा सिलेंडर खुद घूम जाता है और अगली गोली ट्रिगर पॉइंट पर आ जाती है। इससे सिलेंडर ही मैगजीन का काम करता है, जो कि पिस्टल की तरह हैंडल पर ना होकर बीच में लगा होता है। आमतौर पर रिवॉल्वर एक बार में 6 फायर कर सकती है, लेकिन पिस्टल की मैगजीन में 18 गोलियां आ सकती हैं। रिवॉल्वर चलाना पिस्टल की तुलना में ज्यादा कठिन है क्योंकि इसका ट्रिगर थोड़ा टाइट होता है। अगर एक भी कारतूस मिस हो जाए यानी कि गोली फायर ना हो तो रिवॉल्वर से उसे बाहर निकालने में पिस्टल की तुलना में ज्यादा आसानी होती है। तो गाइस, अब हम ये मान के चलते हैं कि आपको रिवॉल्वर और पिस्टल के बीच का डिफरेंशिएशन समझ में आ गया हो, और यदि आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से जानकारी से रिलेटेड वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं।